लेकिन गडकरी जी, आरोप ये लगाया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट कहा गया है, और लिंक्स बनाए जा रहे हैं कि रेड होती है उसके बाद डोनेशन होती है, रेड होती है डोनेशन होता है। क्या इन दोनों के बीच का जो लिंकेज है ये सरकार को जनता के सामने रखना नहीं चाहिए, नंबर एक? और नंबर दो सवाल जो जनता उठा रही है कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत राज्यों में है, लेकिन आपको 600 गुना ज्यादा, 600% ज्यादा डोनेशन मिले, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है? नहीं, मुझे लगता है जो मिला वो बैंक के द्वारा मिला है, और इसलिए सभी बातें ट्रांसपेरेंसी से लोगों के सामने हैं और सिस्टम में भी है, और कोर्ट अब इसके ऊपर निर्णय कर रहा है। वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, और जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं होता तो इनिशियल लेवल पर कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकाल के किसी प्रकार का चार्ज लगाना उचित नहीं होगा। हमारा जितनी प्रकार की बातें आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ना ऐसी कोई बात हमारी सरकार ने की है, ना करने का कोई सवाल उठता है। आपका भी एक साउंड बाइट है, आपने एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ की थी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी गए कुछ टनल बनाने के, कुछ ट्रेन्स बनाने के, ट्रेन के ब्रिज बनाने के। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए, किस पार्टी को दिए ये निकल कर तो नहीं आया, लेकिन 966। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपने स्वयं तारीफ की थी और पार्लियामेंट में तारीफ की थी ऐसी कंपनी की, तो लोग लिंकेजेस भी बना रहे हैं। और मैं ये आपका ही साउंड बाइट पार्लियामेंट से यहाँ सबके सामने और आपको भी याद दिलवाने के लिए, नहीं, मैं मान्य करता हूँ ना, मैंने तारीफ की। बात को मुझे बताते खुशी हो रही, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेघा इंजीनियरिंग करके कंपनी उन्होंने काम लिया, और फारूक साहब इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखा। पहली बात आप समझिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो झोजिला टनल है उसका 4 बार टेंडर हुआ, और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ का रूप मिला था। एक साल दिल्ली के एसोसिएशन करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बैठकर मैं खुद उसमें पार्ट था, हमने टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया, और जब टेंडर निकाला तो 5-6 पार्टियों ने टेंडर भरा, ई टेंडर था, और उस टेंडर में सबसे लोवेस्ट टेंडर जो हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ वो मेधा इंजीनियरिंग को मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 70% काम पूरा हुआ है, और जो काम 12,000 करोड़ का था वो 6,000 करोड़ रुपए में करके हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। और आप अगर कारगिल में जाओगी, और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल कारगिल पहाड़ी के नीचे बनाई है, टनल यानी स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, और इसलिए उसका और इसका कोई संबंध नहीं ना। मैंने मेगा इंजीनियरिंग से, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 50,00,000 करोड़ रुपए के काम दे चुका हूँ अभी तक 10 साल में। एक भी कोई चुपचाप भी मुझे बता दे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरा कोई 25,000, 50,000, अनेक कॉन्ट्रैक्टर काम का मुझे नाम तक मालूम नहीं होंगे, और कोई हमारे पास आना पड़ा उसको तो मैं आप बोलो सजा भुगत लूँगा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। रही बात, ये दोनों को जोड़ने का कोई कारण नहीं है, ये जो मेगा इंजीनियरिंग है यो ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, देश के 7-8 देशों में काम करते हैं। जो मैंने पार्लियामेंट में तारीफ की थी वो झोजिला टनल की थी। क्यों की थी? कि वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है, और वहाँ मैं गया था, वहाँ ऐसी स्थिति है कि खड़ा नहीं हो सकता कोई, और ऐसे कठिनाइयों में 75% काम पूरा हुआ है, और आने वाले 4-5 महीने में यह टनल खुल जाएगी। हम जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक
इसमें ये एक टनल है जिसके कारण यह ऐतिहासिक हुआ, इसके बाद में पाकिस्तान है। और पूरे रोड पर आप कभी जाओगे देखने के लिए, इट्स ए प्राइड फॉर द कंट्री। और टनल भी अच्छी है और वो काम भी अच्छा हुआ, और ये प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। उसका महत्व मैंने पार्लियामेंट में बताया, और ये काम अच्छा होने का संबंध उस कंपनी का और बाकी बातों का नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में बात है, वो जो चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि काम पर आपको बोलने का हक है, आपने काम परखा है, और इसका डोनेशन से कुछ लेना देना नहीं है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अभी आज आप मेरी इंटरव्यू ले रही, और कल मैंने कहा कि आपने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, और कल ही उपायुक्त से कोई आपके कंपनी पर कोई इंक्वायरी हो गई, तो मुझे पूछें कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो ये तो योगायोग होता है, यानी मैं आपका ऐसा हो गया नहीं ना, मैं ये कह तो ये योगायोग है। मेरी कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाएगी नहीं, पर अब कंपनी जो मीडिया की कंपनी हो सकती है। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक कोई शेफ अच्छा का बना रहा है कुछ तो अच्छा है, पर वो शेप अगर जाके कहीं रात को दारू पीकर पकड़ा गया पुलिस में, आपने उस शेप को अच्छा क्यों कहा, वो पकड़ा गया। अब ये योगा योग है, अब ऐसा अनेक बार हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टर और झोजिला टनल ये अच्छी है, देश का अभिमान है, 6000 करोड़ के भारत के जनता के पैसे हमने बजाए, और क्वालिटी और उसकी जो बनी है डिजाइनिंग, वो अपने आप में वर्ल्ड का बेस्ट है। आप जरूर देखने के लिए जाइए, उसकी तारीफ मैंने की, और निश्चित रूप से मुझे उसका अभिमान है, और यही बात मैंने पार्लियामेंट में कही, उसके ऊपर मुझे कोई पछतावा नहीं है।